का नाम टिम गुडमैन है और ये 45 साल की हैं। दोस्त इसे किस्मत से मिली अजीब सी टैलेंट को देखकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों अगर आम इंसान के सर पर चोट लग जाए तो हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। लेकिन अमेरिका में रहने वाली इस औरत को गलती से सर में चोट लगने से इसकी आंखें कुछ इस तरीके से बाहर आ गई। ये इंसान आपका दिल जीत लेगा। मिलिए केनिया के रहने वाले पैट्रिक से, जो हर रोज 100 किलोमीटर की दूरी तय कर 3000 बेजुबान जानवरों की प्यास बुझाता है, और ये इंसान ये काम कई सालों से करता आ रहा है। पैट्रिक का कहना है कि इसने इन बेजुबान जानवरों को प्यास के कारण तड़पते और मरते देखा है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो या सोचा हो कि हमारे देश की संसद भवन यानी इंडियन पार्लियामेंट में जो पंखे हैं वो छत पर होने की बजाय जमीन पर खंभों के सहारे उल्टे लगे हुए हैं, अब आप सोच रहे होंगे इसके पीछे की क्या वजह रही होगी। तो आपको बता दें, इसके पीछे की वजह संसद भवन का आर्किटेक्चर है। दरअसल जब संसद बनाई गई थी तो इसका गुंबद यानी कि संसद की जो गोल छत थी उसे बहुत ही ऊंचा बनाया गया था। उस समय जब पंखे लगाने की बारी आई तो छत बहुत ही ऊंची होने के कारण सीलिंग फैन लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन की स्पीड दिन के मुकाबले रात में ज्यादा क्यों होती है? दरअसल दोस्तों इसके पीछे कई रीजंस होते हैं। नंबर वन, रात में रेलवे ट्रैक पर इंसानों और जानवरों का आना जाना दिन के मुकाबले कम होता है। नंबर टू, रात में ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने का कारण ये भी है कि रात को मेंटेनेंस रिलेटेड सभी काम बंद रहते हैं। नंबर थ्री, रात को सिग्नल की विजिबिलिटी दिन के मुकाबले अच्छी होती है, जिससे सिग्नल लोको पायलट को रात में दूर से ही दिख जाता है, और इसलिए रात में ट्रेन मैक्सिमम स्पीड से चलती है। अक्सर आपने घोड़ों की आंखों के आगे कुछ इस तरह की पट्टियां लगी हुई देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्यों लगी होती है? मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सजावट के लिए नहीं लगाया जाता, बल्कि इसको लगाने के पीछे बहुत बड़ा पर्पस होता है जो आपको जानना चाहिए। इन पट्टियों को हॉर्स ब्लाइंडर कहते हैं, जिसे प्लास्टिक या लेदर से बनाया जाता है। दरअसल घोड़े कई कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो हॉर्स रेसिंग में हो या सामान उठाने में या खेती में। सब जगह मायने रखता है घोड़े का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि घोड़े प्रे एनिमल्स होते हैं और वो दूसरे बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं। दोस्तों आजकल ऑनलाइन गेम्स का क्रेज कितना ज्यादा है ये तो आप सभी को पता ही होगा, और यही ऑनलाइन गेम्स की लत ताइवान में रहने वाले 70 साल के चैन सेन युवा को भी लग गई, जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। ये अंकल पोकेमोन गेम के इस तरह दीवाने हो गए हैं कि लोगों ने इनका नाम ही अंकल पोकेमोन रख दिया। इन अंकल जी को पोकेमोन पकड़ने की लत इस तरह पड़ गई है कि उनका एक डिवाइस से तो काम ही नहीं चलता। इन अंकल ने पोकेमोन पकड़ने के लिए 11 फोन एक साथ साइकिल में असेंबल कर दिए हैं।